हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. सो हैप्पी ईद मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू. टुडे इज़ द सेकंड डे ऑफ ईद और फर्स्ट डे हमारा, आपको पता है जो बड़ी ईद होती है बड़ा बिजी गुजरता है. तो पूरे बस फर्स्ट डे हमने काफ़ी ज़्यादा काम निपटाए हैं, पूरे गोश से विस्से सब करके हम फारिग हो गए. एंड नाउ इट इज़ द सेकंड डे और हम जा रहे हैं अपनी मम्मा के घर. और मैं आपको, दिस इज़ माई आउटफिट, कम्प्लीट आउटफिट मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी पिक्चर्स में आगे. और ईशा का भी, एंड दिस इज़ अलीशा, अलीशा का कम्प्लीट आउटफिट, अलीशा इज इन पिंक कलर. एंड कामिया और अयान अपने फेवरेट कलर वाइट एंड ब्लैक. तो चलें, चलते हैं, आप भी हमारे साथ चलें. और जी, तो ये मुझे केक लेना था मामा के लिए और मैं केक ढूंढ रही हूँ बट मुझे कोई मज़े का केक समझ नहीं आ रहा. अच्छा, ये शारा फैसल पे बेकरी है. अब मैं नाम लूँगी तो प्रमोशन हो जाएगा. चलें, खैर उन्हें प्रमोशन की ज़रूरत तो नहीं है. ये फैसल स्वीट है शारा फैसल पर. तो काफ़ी सोच विचार के बाद मुझे इनका ये वाइट चॉकलेट के केक जो है वो समझ आया और फिर मैंने यही ले लिया फैसल स्वीट से. और शुक्र है कि ईद के दिन थोड़ा ट्रैफिक कम होता है, लोग अपने अपने घरों में होते हैं तो ज़रा सा ट्रैफिक कम होता है. थर्ड डे बहुत रश होता है. और बताएं आप लोग क्या सीन है. अच्छा, ये हम पहुंच गए हैं घर और मेरी मामा के ये फेवरेट, मतलब हम सब के फेवरेट है और उनकी स्पेशल ये रेसिपी होती है कच्चे खीमे के कबाब, जो हर ईद पर हम लोग स्पेशली उनसे बनवाते हैं. वो बहुत ज़बरदस्त बनाती हैं. वैसे भी मेरी मामा की कुकिंग बहुत ही, मतलब हम सबको बहुत पसंद है. और ये इन्होंने बनाई हुई थी मटन की बिरयानी और बहुत ही मज़े की बेहतरीन बिरयानी बनाती है मम्मा. इसके साथ हमारे पास बहुत सारे बारबेक्यू आइटम भी थे. ये हम अपनी सीखे जो है वो रेडी कर रहे हैं. इसमें हमने अभी बारबेक्यू करना है और यू कैन सी कि ये मेरे भाई लगे हुए हैं दोनों. और ये हमारा बारबेक्यू स्टार्ट हो गया है. बकरीद आपको पता है इसके बगैर नामुमकिन होती है. ये दोनों माशाल्लाह से बना रहे हैं बारबेक्यू. ये है ऑयल. ये मज़ीद इसमें जो है वो बन बन के सीखे हम लगाते जाएंगे साथ में. ये लग रही हैं और ये कुछ इसमें कुछ धागे वगैरह भी बांध के कुछ बना रहे हैं. ओवरऑल हम लोगों को बहुत मज़ा आया. हम लोग, मतलब हर दफ़ा हम लोग हर ईद पर ना एक से दो दफ़ा तो, मतलब दो से तीन दफ़ा हर संडे संडे ये लाजमी होता है. इंशाल्लाह दोबारा हम करेंगे तो भी उसका व्लॉग मैं आप लोगों के लिए ज़रूर शेयर करूँगी. ये साथ साथ बनाते जा रहे हैं और साथ में हम रखते जा रहे हैं. और ये ऑलमोस्ट हमारे जो हैं ये ज़बरदस्त किस्म की हमारी बोटियाँ बनी हैं. और आखिर में मीठा, मिठाई. और लास्ट में मेरे हस्बैंड की बर्थडे भी थी तो हमने उनकी बर्थडे भी सेलिब्रेट करी ईद के सेकंड डे. तो ओवरऑल हमारी ईद माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी है. आप बताएं आपका क्या सीन है, कैसी गुजरी आप सब लोगों की ईद. ये हमारे घर की सबसे माशाल्लाह छोटी जो है हमारी फैमिली मेम्बर है और बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारी है माशाल्लाह माशाल्लाह. जी, तो मैं घर आ गई हूँ एंड यू कैन सी माई रूम इज़ सो क्लीन अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, ये मेरी आदत है कि मैं कहीं भी जाऊँ तो यहाँ पे मैं रेडी भी हुई हूँ. मेरी ज्वेलरी, मेरा मेकअप सब मैंने यहीं किया है लेकिन इसके बावजूद सब क्लीन. मैं ऐसे ही निकलती हूँ घर में, मुझे उलझन होती रहती है कि घर आकर कहीं से समेटो, ये मुझसे नहीं होता. और अल्हम्दुलिल्लाह आज इतना खा पी लिया कि डिनर का कोई सीन नहीं है, बस अब कॉफ़ी बनाएंगे और हम सोएंगे. अच्छा, तो मैं ड्रेस अपने दिखा देती हूँ. अब आई डोंट नो ये कैमरे में, अलीशा आ जाओ अंदर. अब आई डोंट नो कि ये कैमरे में कैसे फील हो रहा है बट इसकी वाइब्स बहुत ही समरी थी, बहुत ही लाइट. अच्छा, मुझे ऐसे ही चाहिए था. गर्मियों में मुझसे ना इतना हैवी ड्रेस नहीं पहने जाते तो बहुत ही लाइट वेट, बहुत ही मिनिमल टाइप के ड्रेसिंग थी मेरी आज की. तो आज के ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पर एंड. ख्याल रखिएगा अपना. डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल
और उम्मीद है जितनी अच्छी ईद हमने गुजारी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आप लोग की भी उतनी अच्छी होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।